नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। गुरुवार को मऊ के लिए करेंगे प्रस्थान। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ महाराज व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की पुण्य स्मृति में संगीतमय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का हुआ विधिवत शुभारंभ। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा, मानवता का दिग्दर्शन है श्री राम का जीवन। श्री राम ही है साक्षात धर्म। उनके चरित्र से मिलती है विषम परिस्थितियों में जूझने की प्रेरणा। जिसने भी सुनी श्री राम कथा, दूर हुई उसके जीवन की व्यथा। गोरखनाथ ओवर ब्रिज पर मंगलवार की देर रात्रि बेकाबू कार ने फुटपाथ पर सो रहे तीन मजदूरों को कुचला। दो मजदूरों की हुई मौत। पुलिस कार सहित चार व्यक्तियों को हिरासत में लेकर कर रही है आगे की विधिक कार्यवाही। महावीर छपरा में कूड़ा बीनने वाली ने स्कूल जाने वाली बच्ची को टॉफी देकर चुराने का किया प्रयास। बच्ची के रोने पर गांव वालों ने तीन अभियुक्तों को पकड़कर जमकर पीटा, फिर पुलिस को किया सुपुर्द। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, मुकदमा पंजीकृत कर की जा रही है विधिक कार्यवाही। कूड़ा जलाने को लेकर व्यक्ति की लाठी से पीट पीट कर हुई हत्या। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र का। आरोपी अभियुक्त को शाहपुर थाने के पुलिस हिरासत में लेकर कर रही है आगे की विधिक कार्यवाही। ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव सहित अन्य अधिकारियों के साथ प्रदेश के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के निदेशक अनुज कुमार झा ने की बैठक। सामुदायिक शौचालय पंचायत भवन के कार्यों की समीक्षा। कार्यों को समय से पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिया निर्देश। गोवध के अभियोग में वांछित व 20,000 रुपए के इनामिया दो अभियुक्तों को चिलवाताल और स्वात टीम की पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से एक अवैध तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल व कारतूस किया बरामद। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने महानगर में जटेपुर पुलिस चौकी से कचहरी चौराहे तक किया पैदल गश्त। लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। कहा, किसी भी तरह की समस्या होने पर डायल 112 पर तुरंत दे सूचना की जाएगी मदद। गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ महाराज की 53वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की 8वीं पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत कथा व्यास जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य ने श्री राम कथा का भारतीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में किया तात्विक विवेचन। सीएम योगी ने भी किया कथा का रसपान। कहा, लोक कल्याण के लिए होता है परमात्मा का प्राकट्य, जबकि अन्य जीवों का जन्म होता है अपने कर्मों का भोग करने व अपना उद्धार करने के लिए। अब खबरें विस्तार से। दो दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर पहुंचते ही गुरु गोरक्षनाथ का विधि विधान से पूजा अर्चना किया तथा मंदिर में ही स्थित अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ व राष्ट्र संत अवैधनाथ की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में भाग लिया। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। गुरुवार को मऊ के लिए प्रस्थान करेंगे।
मंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पावन जीवन चरित्र समूची मानवता के लिए दिग्दर्शन है, प्रेरणा एवं प्रकाश है। उनके जीवन से हम सबको विषम परिस्थितियों में जूझने की प्रेरणा मिलती है। हमारे मनीषियों ने माना है कि श्री राम ही साक्षात धर्म है, अर्थात श्री राम ही सब कुछ है। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की 53वीं एवं राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि समारोह के उपलक्ष में बुधवार अपरहन श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। मंदिर के दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धर्म की व्याख्या को लेकर विद्वानों में कुछ मतभेद हो सकता है, लेकिन अलग अलग व्याख्याओं में धर्म के जितने भी लक्षण बताए गए हैं वे सब श्री राम के पावन चरित्र में समाहित हैं। भगवान श्री राम की कथा जिसने भी सुनी उसके जीवन की सभी व्यथा दूर हुई, उसे भव सागर से मुक्ति मिली और सफलता का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह हम सब का सौभाग्य है कि हमें श्री राम कथा श्रवण का आनंद प्राप्त हो रहा है। गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह वर्तमान पीढ़ी का सौभाग्य है कि वह श्री राम कथा श्रवण की परंपरा से उस दौर में जुड़ रहे हैं जब श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 500 वर्षों के लंबे इंतजार में कई पीढ़ियां चली गईं, लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। श्री राम मंदिर का निर्माण अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करने का भी माध्यम है। अपनी विरासत व महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के ही लिए गोरखनाथ मंदिर में प्रतिवर्ष ब्रह्मलीन आचार्यों की पुण्य स्मृति में कथा का आयोजन होता है। वार्षिक कथा के श्रवण के लिए श्रद्धालुओं को उत्सुकता से इंतजार रहता है। इस अवसर पर उन्होंने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ व ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के श्री चरणों में नमन कर अपनी श्रद्धा निवेदित की। मुख्यमंत्री के संबोधन के उपरांत श्रद्धालुओं को श्री राम कथा का रसपान व्यासपीठ पर विराजमान जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज पीठाधीश्वर अशरफी भवन अयोध्या ने कराया। इस अवसर पर जगतगुरु स्वामी राघवाचार्य दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास, स्वामी अनंताचार्य, महंत शेरनाथ, संत अवधेश दास, सतुआ बाबा समेत बड़ी संख्या में संतजन, यजमान व श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से शाम 6 बजे तक सुनाई जाएगी। इसका विराम हवन एवं भंडारे के साथ 13 सितंबर को होगा। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ से पूर्व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मुख्य मंदिर से कथा स्थल तक बैंड बाजे शंख ध्वनि की गूंज तथा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के कथा स्थल पहुँचने पर गोरक्षपीठाधीश्वर ने अखंड ज्योति स्थापित की। गोरक्षपीठ के ब्रह्मलीन महंत द्वय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विभिन्न सामायिक व ज्वलंत विषयों पर व्याख्यान माला का शुभारंभ गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से होगा। शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। पहले दिन 8 सितंबर को आजादी का अमृत महोत्सव संकल्पना से सिद्ध तक विषय पर व्याख्यान होगा। Thank you.
यहाँ पर
मैं 3 बजे से लेकर सायंकाल 6 बजे तक प्रतिदिन आयोजित होंगी। आज इसका शुभारंभ है। मैं सबसे पहले इस अवसर पर अपने कथाभ्यास से कहा और इस अवसर पर उपस्थित हुए संतों का हृदय से गहराइयों से सबका स्वागत करता हूँ, उन सबका अभिनंदन करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पावन जीवन चरित्र हम सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए और पूरी मानवता के एक दिग्दर्शन है, एक प्रेरणा है, एक प्रकाश है। उन्हें निरंतर आगे बढ़ने और विषम परिस्थितियों से जूझने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। और इसीलिए भारतीय मनीषा ने इस बात को माना है कि राम ये साक्षात धर्म है, रामो विग्रहवान। यानी राम ही सब कुछ है, धर्म का ये व्याख्या क्या हो सकती है, इसमें हम भेद हो सकते हैं। धर्म सत्वों को तीन आया, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि महापुरुषों ने धर्म के जो लक्षण बताए हैं, अगर वह कहीं पर हम सबको किसी मानवीय चरित्र में भी सब कुछ दृष्टिगोचर होते हैं तो वह पावन चरित्र है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का और भगवान राम की कथा। जिसने भी सुनी उसकी कथा तो दूर हुई, उसको इस भवसागर से मुक्ति का और जीवन में सफलता का मार्ग सुना ही प्रशस्त होता हुआ दिखाई दिया। इस देशवासियों का सौभाग्य है, हम सब का सौभाग्य है कि हम सब को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन कथा का श्रवण करने का प्राप्त होना होगा। एक सप्ताह तक निरंतर ज्ञान के यहाँ पर चलेगा। जगत गुरु शेषाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से पूर्व में ही यहाँ पर इसी मंच से आपको कथा सुनने का आनंद प्राप्त हुआ था और इस वर्ष फिर यह सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। और ये हम सब की वर्तमान पीढ़ी का ये सौभाग्य है कि कथा श्रवण की ये परंपरा इस अवसर पर आप सबको प्राप्त हो रही है। जब अयोध्या में भगवान श्री राम के पावन धाम में उनकी स्वयं की जन्मभूमि पर युद्ध स्तर पर कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। 500 वर्षों का इंतजार, कई पीढ़ियां चली गई, लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन ये सौभाग्य हम सबके भाग्य में लिखा था कि भगवान श्री राम के अपने मंदिर के निर्माण कार्य को हम लोग अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं। ये विरासत के प्रति सम्मान का भाव है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा अपनी विरासत के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी माध्यम है और उसी कृतज्ञता के लिए प्रतिवर्ष वर्ष भी अपने पूज्य आचार्यों की स्मृति में यहाँ पर इस पावन कथा का आयोजन भी आयोजित करता है। मैं इस अवसर पर आयोजन समिति को और सभी यजमानगणों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और विश्वास करूंगा कि अगले एक सप्ताह तक आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे उन सभी में आपकी सहभागिता भी होगी और उसे एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करके आप सब अपने पूर्वजों के प्रति भी, अपनी विरासत के प्रति भी कार्यक्रमों के माध्यम से, उससे विरासत प्रेरणा के माध्यम से कृतज्ञता ज्ञापित कर पाएंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से
साधुवाद देता हूँ आचार्य ब्रह्मजीत महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मजीत महंत वेद्यनाथ जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और अपने इस पावन कथा का श्रवण करने का आनंद जी पूज्य संत के श्री मुख से सुनने का आनंद सबको प्राप्त होगा। कथा व्यास के रूप में यहाँ पर व्याख्यान जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य संत श्रीजानाचार्य जी महाराज और अन्य सभी पूज्य संतों का मैं एक बार फिर से यहाँ पर इस प्रांगण में आयोजन समिति की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। गुरुभ्यो नमः सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। जनपद में गोरखनाथ
नाथ ओवरब्रिज पर मंगलवार की देर रात बेकाबू कार ने फुटपाथ पर सो रहे तीन मजदूरों को कुचल दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे गोरखनाथ पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। दो घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों के इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा एक व्यक्ति को सिर में हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिसका इलाज चल रहा है। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा दुर्घटना कार्य करने वाले कार को पुलिस ने कब्जे में ले ड्राइवर सहित चार व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, गोरखपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत गोरखनाथ ओवर ब्रिज पर कल रात एक तेज गति से आ रही कार अनियंत्रित होकर फुटपाथ से लड़कर पलट गई। उसमें वहां पर मौजूद तीन राहगीर दब गए। तुरंत थाना गोरखनाथ में कोतवाली की फोर्स मौके पर पहुंची एवं तीनों को अस्पताल ले जाएगा। उसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी, एक का अस्पताल में इलाज के दौरान डेथ हो गई और तीसरे का हल्की फुल्की चोट आई है। SSP महोदय, मेरे एवं अन्य अधिकारियों द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया। थाना कोतवाली द्वारा इसमें कार को भी कब्जे में ले लिया है एवं जो चार लोग हैं कार को चला रहे थे उन सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया है एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जनपद में बेलीपार थाना क्षेत्र के महावीर छपरा गांव में कूड़ा बिनने वाली ने बच्चा चोरी करने का प्रयास किया, जिसके संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बेलीपार थाना क्षेत्र के महावीर छपरा में कूड़ा बिनने वाली ने एक स्कूल जा रही बच्ची को टॉफी देने के बहाने बुलाकर बच्चा चोरी करने का प्रयास किया। बच्ची के रोने पर बच्चे के परिजनों और गांव वालों ने इस घटना में शामिल तीन लोगों को पकड़ लिया और जमकर पीटने के बाद पुलिस को बुलाकर सुपुर्द कर दिया। तहरीर के आधार पर बेलीपार थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया, अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, खराब होता है आज पूर्वाहन थाना बेलीपार क्षेत्र में एक 6 वर्षीय बच्ची जो स्कूल पढ़ने जा रही थी उसे कूड़ा बिनने वालों ने टॉफी देने के बहाने बुला करके वो बच्चा चोरी करने का प्रयास किया। बच्चे के रोने पर उसके परिजन और गांव वालों ने इस काम में शामिल तीन लोगों को पकड़ लिया और उनके साथ उन्होंने आकर के तहरीर दी, जिसके आधार पर थाना बेलीपार में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। बच्ची सकुशल है और इन अभियुक्तों से पूछताछ करके आगे की कार्यवाही की जा रही है। शाहपुर थाना क्षेत्र के बसारतपुर मोहल्ले में कूड़ा जलाने के विवाद में रोनाल्ड जोसेफ नामक व्यक्ति की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दिया गया। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह उनके पड़ोस में रहने वाले अतुल फेडरिक की मां रोनाल्ड जोसेफ के दरवाजे के सामने कूड़ा जला रही थी, तभी रोनाल्ड जोसेफ ने मना किया। मना करने के बाद विवाद हो गया, जिसके बाद अतुल फेडरिक ने प्लम्बरिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक के पाइप से रोनाल्ड जोसेफ के सर पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने रोनाल्ड जोसेफ को मृत घोषित कर दिया। जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि शाहपुर थाना क्षेत्र के बसारतपुर में रोनाल्ड जोसेफ और अतुल फेडरिक द्वारा कूड़ा जलाने को लेकर विवाद हो गया, जिससे अतुल फेडरिक ने रोनाल्ड जोसेफ के ऊपर हमला कर दिया, जिससे वह
गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि हमला करने वाले व्यक्ति अतुल फेडरिक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, पूरा ढाके, चेहरा ढाके, पूरा कपड़े कपड़े ढाके ना। जनपद गोरखपुर के थाना शाहपुर के अंदर बसारतपुर मोहल्ले में आज प्रातः 9:30-10 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अतुल फ्रेडरिक द्वारा डोनाल्ड जोसेफ, जो कि 60 वर्षीय व्यक्ति हैं, उनको कूड़ा जलाने के विवाद पर लाठी और डंडे से पीटा गया और पीटने के जाने के बाद में उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उनको अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। जिस व्यक्ति ने हमला किया अतुल फ्रेडरिक, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है एवं गिरफ्तारी के बाद जो भी विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। गुरुवार को मऊ के लिए करेंगे प्रस्थान। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ महाराज व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की पुण्य स्मृति में संगीतमय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का हुआ विधिवत शुभारंभ। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा, मानवता का दिग्दर्शन है श्री राम का जीवन। श्री राम ही है साक्षात धर्म। उनके चरित्र से मिलती है विषम परिस्थितियों में जूझने की प्रेरणा। जिसने भी सुनी श्री राम कथा, दूर हुई उसके जीवन की व्यथा। गोरखनाथ ओवर ब्रिज पर मंगलवार की देर रात्रि बेकाबू कार ने फुटपाथ पर सो रहे 3 मजदूरों को कुचला। 2 मजदूरों की हुई मौत। पुलिस कार सहित 4 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर कर रही है आगे की विधिक कार्यवाही। महावीर छपरा में कूड़ा बीनने वाली ने स्कूल जाने वाली बच्ची को टॉफी देकर चुराने का किया प्रयास। बच्ची के रोने पर गांव वालों ने 3 अभियुक्तों को पकड़कर जमकर पीटा, फिर पुलिस को किया सुपुर्द। SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, मुकदमा पंजीकृत कर की जा रही है विधिक कार्यवाही। कूड़ा जलाने को लेकर व्यक्ति की लाठी से पीट पीट कर हुई हत्या। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र का। आरोपी अभियुक्त को शाहपुर थाने के पुलिस हिरासत में लेकर कर रही है आगे की विधिक कार्यवाही। ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव सहित अन्य अधिकारियों के साथ प्रदेश के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के निदेशक अनुज कुमार झा ने की बैठक। सामुदायिक शौचालय पंचायत भवन के कार्यों की समीक्षा। कार्यों को समय से पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिया निर्देश। गोवध के अभियोग में वांछित व 20,000 रुपए के इनामिया 2 अभियुक्तों को चिलवाताल और स्वात टीम की पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से 1 अवैध तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल व कारतूस किया बरामद। SP नॉर्थ ने दी जानकारी। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने महानगर में जटेपुर पुलिस चौकी से कचहरी चौराहे तक किया पैदल गश्त। लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। कहा, किसी भी तरह की समस्या होने पर डायल 112 पर तुरंत दे सूचना की जाएगी मदद। और गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ महाराज की 53वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की 8वीं पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत कथा व्यास जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य ने श्री राम कथा का भारतीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में किया तात्विक विवेचन। CM योगी ने भी किया कथा का रसपान। कहा, लोक कल्याण के लिए होता है परमात्मा का प्राकट्य, जबकि अन्य जीवों का जन्म होता है अपने कर्मों का भोग करने व अपना उद्धार करने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के निदेशक अनुज कुमार झा ने योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में प्रदेश के स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक अनुज कुमार झा ने बताया कि मंडल के ODF परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई है। इसके अलावा पंचायती राज विभाग के सामुदायिक शौचालय का निर्माण, पंचायत भवन का निर्माण, जन सुविधा केंद्र के अतिरिक्त कक्ष के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई है। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कार्यों को समय अवधि में पूरा कर लिया जाए, जिससे ग्राम पंचायतों में स्वच्छ वातावरण का निर्माण हो सके। इस अवसर पर महाराजगंज के CDO गौरव सिंह सोगरवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के मिशन निदेशक अनुज कुमार झा और DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, सभी जनपदों से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चयनित उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और कोशिश रहेगी कि जल्दी से आपसे बात हो सके और समय से खत्म हो सकता है या आवश्यक है। इससे पहले भी आप राज्य स्तर पर लखनऊ निदेशालय सभी लोग गए होंगे, योजना के हिसाब से उसका प्रेजेंटेशन होगा, जो कमियां थी वो बताई गई आपको, उसको आपने ठीक करके अभी भेजना है। अब तक 45 गांव पंचायत की ही कार्ययोजना जा चुकी है लखनऊ पर, उसका बजट एलोकेट हो गया, संबंधित ग्राम पंचायतों को जा भी चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है, इतना विलंब क्यों हो रहा है, तब तक तो हमें धनराशि प्राप्त कर लेनी चाहिए। जो काम करने के लिए आप सीखने गए थे सारे लोग नहीं गए जनपदों से, ये इस महीने में के अंदर ही सबको दिखाया जाएगा और सिखाया जाएगा कि ये होता क्या है। अभी जब मैं बताऊंगा कि ये ODF प्लस के अंतर्गत आपको काम क्या करना है, तो आपको लगेगा कि ये तो इतना ही काम था, अब इसी की कार्य योजना बनाने में हम इतना समय निकाल दिया और काम पूरा नहीं हो पाया, अभी पैसा ही नहीं ले पाया। आप जब गए होंगे आपके प्रेजेंटेशन में और अब तक आपने बनाया होगा, फेस फर्स्ट में क्या किया था आपने, फेस फर्स्ट में जितने परिवार थे जो बेसलाइन सर्वे में थे उनको शौचालय 12,000 रुपया दिया गया था, वो बनाया, वो उनके हाथ में बनाना था, और स्कूल शौचालय और आंगनबाड़ी का काम हुआ। तो जब दूसरे के हाथ में बनाना था, आपको सिफारिश करके करवाना था काम, तो एक साल पहले आपने पूरे प्रदेश को ODF कर दिया। अब इस बार सौभाग्य से सरकार ने आपको पहले चरण में ही चुन लिया है, होना सभी गांव पंचायतों में है, प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में ODF प्लस का उसकी जनसंख्या के आधार पर जो धनराशि दी जानी है वो दी जाएगी। 30% 15वें वित्त आयोग का लगाना है, सबका होना है, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि प्रथम चरण में ही आप चुन लिया गया और इस डिवीजन में काफी गांव पंचायतें 312 ली गई है और ये सब 5,000 या उससे ऊपर की आबादी के गांव हैं। पर कैपिटा आपको पता है 705 रुपए के दर से आपको धनराशि मिली है, इतने की कार्ययोजना बनानी थी आपको। कार्ययोजना बनाने में ट्रेनिंग में समझाया गया था करना क्या है, करना हमें क्या था, सॉलिड का वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड का वेस्ट मैनेजमेंट, और जो पहले काम किया है पहले चरण में उसको अस्थाई बनाए रखना, मतलब जो शौचालय बने हैं वो ठीक रहे और इस्तेमाल हो। सॉलिड और लिक्विड में ये बताया गया था आपको ट्रेनिंग में कि सॉलिड का पहले करना, इसलिए कि सॉलिड का काम पहले कर लेंगे तो लिक्विड अपने आप लोड कम हो जाएगा, पॉलिथीन जाएगी नहीं नाली में, कूड़ा नाली में जाएगा नहीं, तो पानी का मैनेजमेंट फिर ग्रे वाटर का और ब्लैक वाटर का मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर में बोलूंगा आपको पता ही होगा। गोरखपुर मंडल के हमारे सभी जिलों की आज जो है
एसबीएम फेस टू यानी कि ओडीएफ प्लस की जो कार्य योजना है उस पर क्या प्रगति हो रही है, उसकी समीक्षा की। साथ ही जो हमारे पंचायती राज विभाग के अन्य जो कार्य हैं, चाहे उसमें सामुदायिक शौचालयों का निर्माण है, व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण है, पंचायत भवनों का निर्माण है, और इसके अलावा जो जन सुविधा केंद्रों का जो लोकेशन किया जाना है पंचायत भवन के साथ, उसमें भी जहां अतिरिक्त कक्षों का निर्माण होना, इन सब कार्यों की समीक्षा होनी है। तो हमारे जो संबंधित सारे ग्राम प्रधान जी हैं वो आए हुए हैं, हमारे जो विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी आए हुए हैं, और सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों के द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया जा रहा है। हम लोग सारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे, और विशेष करके जो हमारी एसबीएम फेज टू की है, जिसमें कि ठोस और द्रव कचरे का निस्तारण, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर बहुत ही तेज़ी से हम लोगों को इसमें प्रगति करनी है, ताकि ग्राम पंचायतों में एक अच्छे स्वच्छ वातावरण का निर्माण हो सके। आज जो है निदेशक पंचायती राज और जो मिशन निदेशक हैं भारत मिशन के, वो गोरखपुर आए हुए, गोरखपुर मंडल की यहाँ समीक्षा बैठक हो रही है, खासतौर से SLWM पे, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसको हम लोग ठोस द्रव अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं, उस पर चारों जिलों की समीक्षा हो रही है, जिसमें मुख्य रूप से कि नाली या उसके अलावा जो सोख्ता गड्ढे का निर्माण है, खाद गड्ढे का निर्माण है, इस पर चर्चा हो रही है। साथ में RRC और रिसोर्स रिकवरी सेंटर्स को कूड़ा घर कहते हैं, उसके निर्माण पर चर्चा हो रही है, और ई रिक्शा जो कूड़ा उठाने के लिए रिक्शा द्वारा ई रिक्शा का जो इंतजाम किया जाना है, और जो कूड़ा गाड़ी का इंतजाम किया जाना है, इन सबों पर कहाँ पर कितने कार्य हुए हैं, क्या क्या कार्य अवशेष है, इस पर समीक्षा था। साथ में प्रशिक्षण भी हो रहा है सभी प्रधान जी लोगों को, जो जिन ग्राम पंचायतों की आबादी 5,000 से अधिक है, उन सबों को धनराशि जो है 705 रुपया प्रति ग्राम पंचायत के हिसाब से दी गई है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से दी गई है, लगभग अगर 5,000 की आबादी 37 से 38 लाख रुपया मिला है, ताकि वो गाँव को जो है ठोस एवं द्रव अवशिष्ट प्रबंधन से मुक्त कर सकें, और वहाँ कोई भी कूड़ा जो है ठोस कूड़ा या प्लास्टिक जैसा का कूड़ा या फिर जल भराव की समस्या ना रहे। मुखबिर से सूचना मिलने के आधार पर चिलवाताल की पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित वांछित इमाम हुसैन व शेरू उर्फ बुफरान पुत्र जिलानी निवासीगढ़ को इंदी गोसाई पट्टी थाना तरिया सुजान जनपद कुशीनगर कहीं घटना को अंजाम देने के संबंध में रेकी करने हेतु बालापार क्षेत्र में जाने वाले हैं, जो छामुर धाम पुल के पास से होकर जाएंगे। इस सूचना पर थाना चिलवाताल पुलिस व SOG व स्वाद टीम के सहयोग से वांछित इनामी अभियुक्त इमाम हुसैन व शेरू उर्फ बुफरान पुत्रगण जिलानी उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से एक अदद देसी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस व एक अदद चोरी के मोटरसाइकिल बरामद हुआ, जिनके विरुद्ध अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम में चिलवाताल थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर अमित राय, सब इंस्पेक्टर कुंवर अभिषेक, SOG प्रभारी सब इंस्पेक्टर मनीष यादव, हेड कांस्टेबल राजमंगल सिंह, राम इकबाल, अरुण खरवार, मोहसिन खान, कांस्टेबल राहुल कुमार, जगन्नाथ यादव, इंद्रेश कुमार वर्मा, करुणापति तिवारी, रणवीर प्रताप सिंह, रवि चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, जनपद गोरखपुर में पशु तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज थाना चिलवाताल व प्रभारी स्वाट की टीम को दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। ये दोनों अभियुक्त 2020 से थाना चिलवाताल से वांछित थे और इन पे 20,000 रुपये का इनाम था। इनके पास से एक तमंचा व एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि ये गोरखपुर में पशु तस्करों की तस्करी के लिए रेकी करने के लिए आए हुए थे और पशु तस्करी के प्रयास में थे, तभी इनको गिरफ्तार किया गया। इनके नाम इमाम और शेरू हैं तथा ये 20,000 रुपये के इनामी अपराधी हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने महानगर में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जटेपुर पुलिस चौकी से कचहरी चौराहे तक पैदल गश्त किया। इस दौरान SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जटेपुर पुलिस चौकी से कचहरी चौराहे तथा वापस गणेश चौराहे तक पैदल गश्त किया। SSP ने गश्त के दौरान लोगों से बात की और किसी भी तरह की समस्या होने पर डायल 112 पर सूचना देने के लिए कहा। साथ में ये भी कहा कि गोरखपुर पुलिस हमेशा नागरिकों की सेवा में तत्पर है, इसलिए किसी भी तरह की समस्या होने पर आप कार्यालय में मिलकर भी अपनी समस्या बता सकते हैं। इस अवसर पर CO कैंट श्यामदेव बिंद, कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की 53वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की 8वीं पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वय महाराज जी की आदम कद प्रतिमा पर पुष्पांजलि के साथ बुधवार को अयोध्या से पधारे कथा व्यास जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री राम भारत के प्राण, उनके चरित्र से हमें अपने जीवन में शिक्षा मिलती है। कथा व्यास ने व्यास मंच से कहा कि परमात्मा का प्रकट्य लोक कल्याण के लिए होता है, जबकि अन्य जीवों का जन्म अपने कर्मों का भोग करने व अपना उद्धार करने के लिए होता है। भगवान अपनी इच्छा से लोक में अपने करुणा, सौशील्य, सौहार्द आदि गुणों का विस्तार करने के लिए अवतार लेते हैं। जब जब धरती पर धार्मिक असंतुलन होता है तो भगवान का अवतार होता है। उनके अवतार को समझने के लिए कथा श्रवण करना होता है। जो भगवान के अवतार को समझता है वह प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। कथा को विस्तार देते हुए कथा व्यास ने कहा कि जिस परिवार में एवं जिस समाज व जिस राष्ट्र के व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण परम पूज्य गोरखपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। वह मंदिर वैसा ही बन रहा है जैसा कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। पूरी धरती पर सबसे भव्य नगरी अयोध्या थी, आज उसी रूप में अयोध्या का विकास होना हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है। रामायण का प्रादुर्भाव करुणा से होता है, करुणा दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना है। महर्षि वाल्मीकि क्रौंच पक्षी के वध को देखकर दुखी होते हैं, तभी उनके मुख से प्रथम श्लोक निकलता है। यह श्लोक वेदों के बाद का पहला लौकिक श्लोक है। जो करुणा से निकलता है वहीं से रामायण की रचना होती है। भगवान श्री राम को महर्षि विश्वामित्र भी इसी भावना से ले जाते हैं जिससे राक्षसों का वध करके समाज व राष्ट्र का कल्याण कर सके। कथा व्यास ने कहा कि रामायण का सबसे छोटा पात्र जटायु गिद्ध होते हुए भी एक नारी के लाज की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। उसका चरित्र हमें नारी सम्मान की शिक्षा देता है। ऐसा रामायण महाकाव्य हमारे देश का आदर्श है। यह वह भारत देश है जहां पशु पक्षी व वनस्पतियों के संवेदना का भी सम्मान किया जाता है, जहां प्रत्येक दिन को उत्सव के रूप में मनाने की संस्कृति है। यहां के लोग गौ माता में 33 कोटि देवता का वास मानते हैं। गौ माता से प्राप्त पंचगव्य को अमृत मानने की संस्कृति भारतीय संस्कृति में है। आज विज्ञान भी यह सिद्ध कर दिया है कि गौमूत्र में स्वर्ण मिलता है जिससे कैंसर जैसी बीमारी से रक्षा करने का सामर्थ्य है। यह वह देश है जहां देवता भी जन्म लेने के लिए कामना करते हैं, इसलिए इस भारत की धरती को स्वर्ग से भी सुंदर कहा जाता है। उन्होंने भजन मेरा भारत देश महान के द्वारा श्रोताओं में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की। कथा प्रारंभ होने के पूर्व अखंड ज्योति एवं श्री रामचरितमानस ग्रंथ की शोभा यात्रा गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ महाराज, कथा व्यास, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज तथा यजमानगढ़ द्वारा श्रीनाथ जी पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा व्यास मंच पर पहुंची। कथा का समापन आरती एवं प्रसाद वितरण से हुआ। संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। कथा में प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी, प्रोफेसर यूपी सिंह, महंत रामनाथ जी, महंत राम मिलन दास जी, महंत गंगा दास जी, महंत संतोष दास सतुआ बाबा जी, महंत शिवनाथ जी, महंत रविंद्र दास जी महाराज, महंत मिथिलेश नाथ जी, महंत अवधेश दास जी महाराज, महंत अवधेश दास जी, महंत राजू दास जी महाराज, योगी रामनाथ जी, मुख्य यजमान अवधेश सिंह, अरुण कुमार अग्रवाल लाला, अजय कुमार सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, यजमान अतुल सिंह, जवाहरलाल कसौधन, ईश्वर चंद्र मिश्रा, पुष्पदंत जैन, चंद्र प्रकाश अग्रवाल, जितेंद्र बहादुर चंद, ओम जालान, अशोक जालान, श्रीचंद बंसल, महेश पोद्दार, अतुल सर्राफ, संजय सिंह, ब्रजेश यादव, जी एस साय, गोरख सिंह, ओम प्रकाश, कर्मचंदानी, प्रदीप जोशी, मार्कंडेय यादव, विकास जालान, संतोष अग्रवाल तथा इंजीनियर पी के मल, अरुणेश शाही, रणजीत सिंह, डॉक्टर प्रदीप कुमार राव, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी उपस्थित रहे। जितने निष्काम भाव से निष्काम भाव से अहर इस जंजन की सेवा में हमारे उत्तर प्रदेश के सृष्टि मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, ऐसा आज तक कोई लगा नहीं है।
प्रधानमंत्री जी लगे केवल लोक हित के लोक कल्याण के, इसलिए हमने प्रारंभ किया लोकनाथ रामम अकामयत नेत्री, पृथ्वी की ऐसे राजा को चाहिए है जो लोकनाथोपम हो, सारे लोक का ध्यान रखे, रक्षण करे। इसलिए विश्वामित्र महाराज कहते हैं आपने सकाम यज्ञ किया है स्वार्थ से और मैंने निष्काम यज्ञ किया है। सकाम यज्ञ करके राम जी को आपने पा लिया लेकिन पहचाना नहीं है ना। अब बहुत लोग मंदिरों में जाने लगे स्वार्थ से जाए, जाना अलग है मंदिर में लेकिन जाकर के प्रभु को पहचानना, वास्तविक श्रद्धा समर्पण भाव रखना, ये देखना है तो हमारे महाराज जी ने देखिए कि कितनी निष्ठा है। हमारे समझ से कोई ऐसा महीना नहीं होगा जिस महीने में महाराज जी अयोध्या धाम न पधारे, और केवल आज सी में जिन महापुरुषों द्वय के पुण्य स्मृति में शिवायोजन है वे दोनों महापुरुष श्री राम जन्मभूमि के लिए, सनातन धर्म के लिए, मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए पूरे जीवन को उन्होंने आहुति दिया है। इसलिए राष्ट्र संत है, सारे राष्ट्र का जीवन के रथ में बसा हुआ है। इसलिए मैं निष्पाप निष्काम भाव से यज्ञ किया हूं, इसलिए मैं राम को जानता हूं कि राम कौन है आप नहीं जानते। अहम वेदि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं वसिष्ठोऽपि महातेजा एचे मे तपसिष्ठिताः। अहम वेदि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं, राम सत्य के स्वरूप है, राम धर्म के स्वरूप है, राम चैतन्य के स्वरूप है, राम साक्षात परब्रह्म है। एक और विशेषता है रामायण में, संपूर्ण रामायण में प्रभु राम ने कभी नहीं कहा कि मैं परब्रह्म, कभी नहीं कहा, लेकिन छोटे छोटे पात्रों से लेकर ऋषि मुनि तक सबने राम जी को परब्रह्म के रूप में अनुभव कराया। और चिंतन करने पर यह पता चलता है कि राम जी ऐसा क्यों कहते हैं, इसलिए कि जन जन को मेरी मानवीय गुणों का लाभ मिले। आज विश्वामित्र जी महाराज भी राम जी को क्या कह रहे हैं, परब्रह्म है राम। महाराज दशरथ ने राम जी को बन जाने को नहीं कहा पूरी रामायण, लेकिन पिताजी को द्वंद्व धर्म में थे, द्वंद्व धर्म में देख करके कितनी ऊंची सोच रही होगी ना। आज हम आदेश का माता पिता गुरुजनों के संतों के आदेश को भी अनसुना कर देते हैं, लेकिन महाराज दशरथ के अंदर एक द्वंद्व था कि महारानी कैकेयी को मैंने पसंद दे दिया, कैसे बना कर एक तरफ निर्दोष राम को मैं बन जाने को कैसे कहूं, इस द्वंद्व में पड़े थे। महाराज दशरथ के अंतर द्वंद्व को समझ करके राम जी 14 वर्ष वनकी हो जाते हैं। उत्तम पुत्र वो है जो अपने माता पिता श्रेष्ठ आदर्श जनों के अंतर भाव को समझ करके वैसा कार्य करे। जब प्रभु राम लंका पर विजय प्राप्त कर लिए तो विभीषण जी ने पूछा कि हे राघव आप में तो कोई दोष है नहीं, फिर आपके पिताजी ने आपको बन क्यों भेजा। तो राम जी कहते हैं विभीषण जी अयोध्या में रहता तो केवल 4 भाई रहते और मेरे पिताजी ने बन भेजा तो मैं गंगा जल को साक्षी मानकर निषाद राज गुरु को अपना भ्राता बनाया, संख्या बढ़कर 5 हो गई। पंपा सरोवर के जल को साक्षी मानकर सुग्रीव जी को अपना भ्राता बनाया, संख्या बढ़कर 6 हो गई। और आज समुद्र जल को साक्षी मानकर आपको अपना भ्राता बनाता हूं तो बढ़कर संख्या 7 हो गई, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे बन भेजा है।
ये राम जी का आदर्श है, अद्भुत। जितने भगवान के अवतार हुए सब भारत देश में हुए, क्योंकि भारत की संस्कृति बड़ी अद्भुत है, दिव्य है। सारे विश्व में आज बुद्धिजीवी लोग चिंतित हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, कैसे हम जलवायु को शुद्ध करें, प्रदूषण मुक्त कैसे हो, ये पृथ्वी जल वायु कैसे, जो हम सब जीव हम सबके जीवन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जिनसे हमारा जीवन है, इनको कैसे निर्मल विशुद्ध किया जाए। करोड़ों खरबों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं विदेशों में, परंतु हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही इसका समाधान बताया, और जिस समाधान के अनुसार हमारे महाराज जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कार्य भी कर रहे हैं। सरोवर की रक्षा है, नदियों की रक्षा है, वृक्षारोपण है, पर्वतों की रक्षा है, भूयंताम अग्ने सम्यक ब्राह्मणी ब्रह्मवादिनी, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा विशुद्ध गाय के घी से आहुति कराइए, यज्ञ कराइए, तब प्रदूषण मुक्त होगा, जल थल ये सब बिल्कुल निर्मल रहेगा। हजारों वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने कहा। आज भारतीय संस्कृति का समग्र रूप यहां दिखता है, कितने सैकड़ों की संख्या में देखो यहां संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हैं, गौ माता का कितना दिव्य सैकड़ों की संख्या में यहां दर्शन है, उनका दिव्य गोरस जब मिलता है तो मन चित्त सब पूरा निर्मल हो जाता है। ये समाधान है, वनस्पति तक की पूजा हमारे भारत देश में, यह भारत देश है जहां पर संपूर्ण वेद प्रकट हुए, उपनिषद प्रकट हुए, आरण्य प्रकट हुए हैं, धर्मशास्त्र प्रकट हुए हैं, सारे विश्व को पुष्पक विमान और कामक विमान का स्वरूप हमारे भागवत और रामायण के ग्रंथों ने दिया है। आज विज्ञान बहुत आगे है। एक सज्जन आए थे अमेरिका से, बोले महाराज पुष्पक विमान में एक सीट खाली रहती थी, कितने लोग बैठ जाते, इस पर शोध कर रहे हैं, और शोध कर रहे हैं कि कोई ऐसी लकड़ी उसमें जोड़ी गई थी जो बहुत ही संवेदनशील थी, और इस कारण से वो सीट बढ़ जाती थी। बात अच्छी लगी, आज समाज के हर एक व्यक्ति को ऐसे ही संवेदनशील होना चाहिए। आज किसी की प्राण जाते जाते हैं, कोई व्यक्ति घायल हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, सब लोग वहीं से निकल जाते हैं, कोई वीडियो बनाता है, जबकि हमारे वनस्पतियों में एक लाजवंती नाम की वनस्पति है, छोटा पेड़ होता है, पतले पतले पत्ते होते हैं, उसको लाजवंती कहते हैं। आप ऐसे स्पर्श करोगे तो उसके पत्ते तत्क्षण उसी क्षण को मिला जाते हैं। यही वनस्पति भी इतनी संवेदनशील है कि आपके स्पर्श से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। महाराज जी बहुत अहर्निश कार्य करते हैं, परंतु सब हरेक व्यक्ति को संवेदनशील होना पड़ेगा। जैसा राष्ट्र महाराज दशरथ काल का है, राम जी के राज्य के काल का, जैसे दशरथ जी बड़े स्वाभिमान से कहते हैं मेरे राष्ट्र में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो बेपान करता, किसी की निंदा करता, दीनान कंपी कोई दीन ही नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चोर है, नास्तिक है, हार्मिक है, हर एक व्यक्ति को बनना पड़ेगा। तो संवेदनशील तो पुष्पक विमान और कामक विमान जैसा दिव्य विमान हमारे भागवत और रामायण ने दिया, हमारे ऋषियों ने दिया। यह भारत देश है जहां पर पंचकन्याओं को स्मरण किया जाता है, द्वादश भागवतों को स्मरण किया जाता है, सप्त चिरंजीवियों को स्मरण किया जाता है, बारह आलवारों को स्मरण किया जाता है। यह भारत देश है जहां पर सुंदर रामायण जैसा काव्य है, महाभारत जैसा दिव्य काव्य है। पुराण और इतिहास ये दो हैं, पुराणों में 18 पुराण और इतिहास में दो लिए गए, महाभारत और श्रीमद् रामायण।
दोनों की जब हम तुलना करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमें इतिहास श्रेष्ठ लगता है। और इतिहास में भी जब हम रामायण और महाभारत की तुलना करते हैं तो हमें रामायण श्रेष्ठ लगता है। कारण यह है कि महाभारत का सबसे बड़ा पात्र भीष्म पितामह, उनकी उपस्थिति में द्रौपदी जो भगवान की परम आश्रिता थी उसको उसकी लज्जा रोकी जाती है, परंतु रामायण का जो सबसे छोटा पात्र है कौन, यद्यपि छोटा कहना अपराध है, महापुरुषों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, व्याख्याकारों ने जटायु जी को महाभागवत सत्य से सम्मेलित किया है। तो रामायण का अगर स्थूल दृष्टि से देखें तो जो सबसे छोटा पात्र है गिद्धराज जटायु, जगत जननी भगवती जानकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर के अपने कर्तव्य का पालन करता है, रामायण का सबसे छोटा पात्र। सबसे छोटा पात्र रामायण का गिद्धराज जटायु एक नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है, यह हमारी भारतीय संस्कृति, यह रामायण। परंतु महाभारत का सबसे बड़ा पात्र भीष्म पितामह मौन बैठे हैं। इन सारे गुणों का हम लोग अवगाहन करते हैं, छोटी छोटी घटनाओं को भी महाराज जी कितना संवेदना से युक्त होकर के समाप्त है। गौमूत्र से कन्हैया का स्नान करती है, गो में गोबर लगे, आज तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि गौमूत्र में स्वर्ण भी है, गौमूत्र में कैंसर जैसे घातक बीमारी को दूर करने की क्षमता है। कितनी संवेदना है गौ माता में। महाराज जी जब सुबह अपने हाथ से गौ माता को खिलाते हैं बिस्कुट, रोम रोम से आशीष मिलता है। ये हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के मुखिया गौ माता के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं जैसे हमारे गोविंद कृष्ण रखते हैं। गौ माता पीपल को साक्षात ब्रह्म मानते हैं, परमात्मा मानते, तुलसी जी को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजा करते हैं, वर्ष में एक बार तो विषधर नाम की भी पूजा करते हैं। कब करते हैं? नाग पंचमी के दिन करते हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां भी देखो कोई ना कोई महापुरुष प्रकट होकर सारे विश्व का मार्गदर्शन किया है, सारे विश्व को आध्यात्मिक मार्ग दिखाया है। इसलिए क्या कहते हैं संत जन, बंगम में मृदंग पे गौरांग ने कुमन गौर मांडो हरि कीर्तन को आनंद ये पार है पांडो हरि महाराज संपूर्ण भारत की संस्कृति इस पंक्ति में झलकती है, महापुरुषों का योगदान झलकता है। और इसीलिए हम मुक्त कंठ होकर के कहते हैं देवता तरसते हैं ना जन्म लेने के लिए, देवता भगवान से कहते हैं अहो वमी साम किम कारि शोभनम प्रसन्न ये साम स्वीदत स्वयं हरि यही जन्म लब्धम दृश भारतादिरे मुकुंद से वो वैकम स्वीहारी न। प्रभु आपने लगता है पक्षपात किया, हमें स्वर्ग में निवास दे दिया, केवल पुण्य अर्जन किए वो भोग करके फिर नीचे गए, परंतु भारत देश में जिन लोगों को आपने जन्म दिया है ये लोग अपने जीवन में भक्ति आराधना करके श्री राम कथा सुन करके गौ सेवा करके संत दर्श करके संत वाणी सुन करके ये अपना कल्याण करेंगे और अपनी पीढ़ी का भी कल्याण करेंगे, ऐसे भारत में हमें जन्म क्यों नहीं दिया, आपने पक्षपात किया, ऐसे देवता भगवान को लाना कहते हैं। तो हम लोग मुक्त कंठ होकर इसलिए कहते हैं स्वर्ग से सुंदर यह धरती जहां जन्म लिए भगवान मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान।
भारत भूमि को भारत मां शब्द से हम जयकार करते हैं, प्रणाम करते हैं। कोई चीन मंगल लेता है कोई लेते हैं, क्योंकि ये विशेषताएं विद्यताएं और कहीं नहीं। हमारे यहां गरीब को भोजन भी देते हैं और दरिद्र नारायण कहकर प्रणाम भी करते हैं। ना जाने किस देश में नारायण मिल जाए। सारे विश्व की संपूर्ण संस्कृति हमारे भारत देश में है। भारत देश के हर कोने का दर्शन कर लो, पूरे विश्व का दर्शन हो जाए। ऐसी दिव्य पावन धरा अयोध्या में जब सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनि ने, महर्षियों ने, सत्पुरुषों ने, भक्तों ने, प्रभु के प्रेमियों ने, राष्ट्र प्रेमियों ने प्रभु से प्रार्थना की, अयोध्या के उत्तर दिशा में एक वर्ष तक चलने वाले पुत्रेष्टि यज्ञ में जो ऋष्य श्रृंग के आचार्यत्व में चल रहा था। आज बहुत सारे तीर्थ खो गए थे, बहुत सारे सरोवर खो गए थे, आज उनका पुनरुद्धार हुआ है, बहुतों का हो चुका। मखौड़ा धाम आज भी अयोध्या में बड़ा प्रसिद्ध है। गोपताल घाट जहां प्रभु श्लोक से श्लोक को पधारे थे, वहां कितना दिव्य भी निर्माण कार्य चल रहा है, अद्भुत विलक्षण। खुद खोया हुआ जो गौरव था, जो हमारी संस्कृति थी लाखों वर्ष पहले, उसका पुनः जीवन महाराज जी के सत संकल्प से हो रहा है, जिसको हम अपने आंखों से प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। समस्त देवताओं ने जब प्रार्थना किया कि तस्मिन् अंतरे विष्णु व्यातो महात्यधि शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा मनोहर। भगवान तो सर्वत्र है, सर्वत्र है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में आप अनुभव करिए। सुबह जब चलती है, पाठ चल रहा है, आप चुपचाप बैठ जाइए और एक एक शब्द को श्रवण करिए। हर एक पद्य में आपको लगेगा कि परमात्मा कण कण में निवास कर रहे हैं। बिल्कुल सरल और सहज वाणी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना, एक परम वैष्णव भूत भावन शिव जी का वचन। सात जगह भगवान विराजमान है, उनको जहां स्मरण करो वहां प्रकट हो। सबने भगवान को स्मरण किया तो भगवान यज्ञ में प्रकट हुए। सबने प्रार्थना की है, प्रभु आप पधारिए, राक्षसों की वृद्धि बढ़ती जा रही है, असुर दुष्ट लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनका विनाश आप ही कर सकते हैं। देखो सब परमात्मा के पुत्र हैं, इन सबको ठीक करने के लिए परमात्मा पहले चार पत्र लिखते हैं, जैसे पोस्ट कार्ड है ना, चार वेद भेजते हैं कि इसको सुन समझ कर ठीक से रहो। लोग नहीं मानते तो थोड़ा विस्तार से, जैसे अंतर्देशी लिफाफा होता है वैसे 18 पुराण रामायण इनको विस्तार से भेजते हैं कि इनको सुनकर पढ़कर धर्म मार्ग में चलो, मानवीय मार्ग में चलो, परस्पर प्रेम सौहार्द से रहो, निर्भय रहो और निर्भय रखो लोगों को। लेकिन जब लोग नहीं समझते दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, तब ही परमात्मा दिव्य महापुरुषों को भेजते हैं, विशिष्ट जनों को भेजते हैं। फिर भी लोग जब नहीं सुधरते तब परमात्मा स्वयं आते हैं। जैसे कोई क्षेत्र होता है, वैसे तो महाराज जी के इतना वो अनुशासन है, सब ठीक ठाक, लेकिन इन संदेश संदेश नहीं, आपकी उपस्थिति से पूरा आसार बदल जाते हैं, आप समझ में नहीं आता, सब तत्पर हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा जब वेद ईशा नारण्य पुराण इन काव्य रामायण इन सब के भेजने के बाद फिर अपने विशिष्ट अंश को भेजते हैं,
फिर उनसे भी जब समर नहीं होता, कई लोग कहते ना महाराज 4,32,000 वर्ष कली की आयु लगी, 5,000 वर्ष बीते, इतना लंबा समय कैसे बीतेगा। तो विशिष्ट महापुरुषों को, विशिष्ट विभूतियों को ऐसे ही परमात्मा करते हैं, समन्वय करते हैं, ठीक करते हैं, स्तुति करते हैं। राम राम सिया राम 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 एक सूत्र ही बनाना पड़ा, लीलावत कैवल्यम, केवल लीला के लिए प्रभु प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान के ही श्रीमुख से भगवान कहते हैं यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से आत्मानम सृजाम्य हमारी, और ये बात सच भी है और इस कार्य के लिए आते भी, लेकिन और गहनता से जब हम प्रवेश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो कार्य भगवान वैकुंठ में बैठकर नहीं कर सकते उस कार्य को करने के लिए श्लोक में उतार लेते हैं। प्रभु को इतना संकोच हुआ जब विश्वामित्र जी ने बताया तो राम जी अपने स्त्री चरण को धीरे 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 नीचे रख रहे थे। राम जी की महिमा देखिए, राम जी के चरणों से एक धूल का कण गिरा उस शिला पर, तत्क्षण उस शिला से मुक्त होकर के देवी अहिल्या का रूप प्राप्त कर ली। पाषाणों की यदंधि पंक्त रजसा सामान गुणेर मोचिता ध्याय पत्राण परायण स भगवान नारायणों में गति। जिन प्रभु के चरण का एक धूल कण साथी दहिया का उद्धार कर लिया, उन प्रभु की दिव्य कथा को हम इतने दिन स्मरण करें, उन प्रभु के हम दर्शन करें, उन प्रभु के लिए हम तन धन तन मन धन से अर्पण होकर शरणागत होकर उनकी शरण में रहें, अपनी भावांजलि पुष्पांजलि अर्पण करें, तो हम कितने भाग्यशाली होंगे और हम पर कितनी प्रभु की कृपा होगी। एक चरण के धूल कण से मुक्ति मिली है आपको। सतानंद जी उपस्थित हो गए, स्वागत सत्कार किए, और जब प्रभु राम अहिल्या का उद्धार करके मिथिलापुरी में पहुंचे थे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सहज रूप में प्रभु राम, कितनी मर्यादा है। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर आज्ञा मांगी, केवल धनुष नहीं तोड़ना, धनुष तोड़ने के बाद भी कुछ प्रतिज्ञा है। गुरुदेव ने कहा ठीक है, इशारा दे दिया, आज्ञा दे दिया। प्रभु राम सहज भाव में उठे हैं। सहज भाव का मतलब कई लोग बड़ा काम करना होता है तो ऐसे पूरे ठमठा बनते हैं, कमर में कपड़ा बनते हैं, सहज भाव, सहज भाव में उठकर प्रभु, चूंकि महाराज जनक जैसे महायोगी महाज्ञानी मुक्त पुरुष का पूज्य धनुष है, इसलिए प्रभु राम ने भी उस पूज्य धनुष को प्रणाम किया।
परिक्रमा की। सहज भाव में धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, मध्य से कर्कश आवाज करता दो खंड में किशोरी जानकी जी कई सखियों के मध्य दिव्य वरमाला लेकर के प्रभु राम के समीप पधारी। कितना कोमल चरण है, सखियां पुष्प की कलियां बिछा रही हैं, वो कलियां भी चरण में चुभ रही हैं। सखियां किशोरी जानकी जी से कहती हैं, बधाई आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है, स्वयंवर होने वाला है, जगत ने कर्ण किया भाई, स्यायत मुझे सर्वानी है। सुंदर वातावरण भगवती किशोरी जानकी जी ने प्रभु राघवेंद्र सरकार को माल्यार्पण किया, प्रभु राम ने किशोरी जानकी जी को, और बड़ा दिव्य यज्ञ कुंड बने, चार कुंड बने, क्योंकि विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों को बुलाया और कहा, देखो आप लोग चार भाई हो और ये चार बहनें हैं, सीरत ध्वज महाराज की दो कन्या और कुशल ध्वज महाराज की दो कन्याएं हैं। तीनों भाइयों ने कहा, ये तो भैया राम का विवाह है, हम बाद में देखेंगे। बोले ना, बहती गंगा में हाथ धो लो, फिर मौका न मिलेगा। इसलिए चार मंडप बने, चार यज्ञ कुंड बने, गोदान कराया गया, वैदिक मंत्र पढ़े गए। सबसे पहले जनक जी जानकी जी का हाथ लेकर राघव को समर्पित करते हुए कहते हैं, इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव, प्रतीक्षचैनां भद्रं ते पाणिं ग्रहणी स्वपाणिना। मैंने अपनी बिटिया सीता को इतने सुंदर संस्कार दिए हैं कि आपके सुख में तो साथ रहेगी, दुख में पीछे नहीं, आपके आगे आगे चलेगी। और जानकी जी ने अपने पिता की बात को बहुत निभाया। बन जाते समय जानकी जी कहती हैं राम जी से, आपके चरण कोमल हैं, कांटे चुभेंगे वन में, अग्रदस्ते गमिष्यामि मदंती कुसंगतना, मुझे आगे ले चलो, आगे आगे चलूंगी, अपने पैरों से कांटों को कुचल दूंगी तो चरणों में पीड़ा ना होगी। सहधर्मचरी तव, आपके सुख दुख में हमेशा मेरी बेटी सहभागी बनेगी। प्रतीक्षचैनां भद्रं ते, सुंदरता की बात है ना, आप पहले सुंदर थे राघव, लेकिन मेरी बिटिया के बदल में विराजमान हो, मेरी बिटिया जानकी की सुंदरता की छाया आपको पड़ रही है, तो पहले से करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर आप दिख रहे हो, आपको नजर न लगे, आपका मंगल हो। ऐसे किशोरी जानकी जी का कर कमल लेकर के राघवेंद्र के हाथों में अर्पण किया है। बोलिए जानकी नाथ भगवान की, सीता रामचंद्र भगवान की। बहुत दिव्य प्रभु की एक पावन कथा चलेगी। प्रातः काल का सत्र जो होता है वो भी बड़ा अद्भुत होता है। महाराज जी के समय से पहले से ही प्रातः काल का जो सत्र होता है उसमें देश की विशिष्ट विभूतियां, बड़े उच्च कोटि के विद्वान, चिंतक, साधक,
राष्ट्र चिंतक, शास्त्र चिंतक, समाज चिंतक, समाज सुधारक, अनेक लोगों का कार्यक्रम रहता है और महाराज जी बहुत सुंदर बिंदुओं को रखते हैं। जैसे इस वर्ष प्रातःकालीन सत्र में सुंदर बिंदु रखे गए हैं, कैसे राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, कैसे इस समय जो सेना में भर्ती हुई है अग्निपथ, उस पर क्या चिंतन, क्या राष्ट्र हित है उसमें, ऐसे ज्वलंत विषयों पर ही चर्चा होगी। भी बहुत सुंदर सत्र होता है। हम लोग प्रातःकाल ऐसे सुंदर सत्र में सहभागी बनेंगे और उसके सत्र में कथा का लाभ लेंगे। महाराज श्री का सानिध्य, संतों का सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। अब आपके कदमों से, अद्भुत संतजनों के कदमों से व्यास पर विराजमान होते महाराज से आप सबके द्वारा भगवान की आरती, प्रभु श्री राम की आरती और उसके बाद अगला कार्यक्रम आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। गुरुवार को मऊ के लिए करेंगे प्रस्थान। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ महाराज व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की पुण्य स्मृति में संगीत में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का हुआ विधिवत शुभारंभ। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा, मानवता का दिग्दर्शन है श्री राम का जीवन, श्री राम ही है साक्षात धर्म, उनके चरित्र से मिलती है विषम परिस्थितियों में जूझने की प्रेरणा। जिसने भी सुनी श्री राम कथा दूर हुई उसके जीवन की व्यथा। गोरखनाथ ओवर ब्रिज पर मंगलवार की देर रात्रि बेकाबू कार ने फुटपाथ पर सो रहे 3 मजदूरों को कुचला। 2 मजदूरों की हुई मौत। पुलिस कार सहित 4 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर कर रही है आगे की विधिक कार्यवाही। महावीर छपरा में कूड़ा बीनने वाली ने स्कूल जाने वाली बच्ची को टॉफी देकर चुराने का किया प्रयास। बच्ची के रोने पर गांव वालों ने 3 अभियुक्तों को पकड़कर जमकर पीटा, फिर पुलिस को किया सुपुर्द। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, मुकदमा पंजीकृत कर की जा रही है विधिक कार्यवाही। जलाने को लेकर व्यक्ति की लाठी से पीट पीट कर हुई हत्या। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र का। आरोपी अभियुक्त को शाहपुर थाने के पुलिस हिरासत में लेकर कर रही है आगे की विधिक कार्यवाही। ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव सहित अन्य अधिकारियों के साथ प्रदेश के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के निदेशक अनुज कुमार झा ने की बैठक। सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन के कार्यों की समीक्षा। कार्यों को समय से पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिया निर्देश। गोवध के अभियोग में वांछित व 20,000 रुपए की इनामिया 2 अभियुक्तों को चिलताल और स्वात टीम की पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से 1 अवैध तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल व कारतूस किया बरामद। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने महानगर में जटेपुर पुलिस चौकी से कचहरी चौराहे तक किया पैदल गश्त। लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। कहा, किसी भी तरह की समस्या होने पर डायल 112 पर तुरंत दे सूचना की जाएगी मदद। और
गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की 53वीं एवं राज संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की 8वीं पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत कथा व्यास जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री धराचार्य ने श्री राम कथा का भारतीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में किया तात्विक विवेचन। सीएम योगी ने भी किया कथा का रसपान, कहा लोक कल्याण के लिए होता है परमात्मा का प्राकट्य, जबकि अन्य जीवों का जन्म होता है अपने कर्मों का भोग करने व अपना उद्धार करने के लिए। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।